हमारे YouTube चैनल फिल्म और टीविया पर आपका स्वागत है। विकराल और गबराल एक हॉरर ड्रामा शो था जो कि स्टार प्लस पर 19 जुलाई 2003 को शुरू हुआ था और इस शो का आखिरी एपिसोड 28 अगस्त 2004 को टेलीकास्ट हुआ था। इस शो के 44 एपिसोड्स बने थे जो कि सैटरडे संडे को टेलीकास्ट किए जाते थे और हर एपिसोड 40 से 45 मिनट का होता था, जिसे कि सिनेविस्तास लिमिटेड ने प्रोड्यूस किया था। इस शो की कहानी पॉपुलर टीवी शो कोई है के दो फेमस कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। पूरी कहानी गबरू की लाइफ के इर्द गिर्द घूमती है। गबरू गबराल जैसा बनना चाहता है। इस शो में गबराल एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि बुरी आत्माओं को पकड़ता है और उनका विनाश करता है। गबराल गबरू के बॉस विकराल जैसा होता है। विकराल गबरू को सिखाता है कि कैसे अलग अलग तरह के भूतों को हैंडल किया जा सकता है। उसकी कहानियाँ शुरू होती हैं बुरी शक्तियों के जन्म से और फिर उनकी ग्रोथ और अपने जीवन काल में वो क्या क्या कारनामे करते हैं, आखिर में उनकी अंत कैसे होता है। लेकिन विकराल कहानी को हमेशा अधूरा छोड़ देता है, जिससे गबरू को लगता है कि भूत अभी भी जिंदा है और वो हमेशा की तरह विकराल को कॉइन्स देकर कहानी पूरी सुनता है। विकराल के रोल में थे मामिक सिंह और गबरू के रोल में थे के गोस्वामी। इस शो के ऑफ एयर होने का कारण था विकराल यानी मामिक सिंह के शो छोड़ना। उनके शो छोड़ने के बाद सलील अंकोला ने उनकी जगह ले ली, लेकिन दर्शकों को ये बदलाव कुछ खास पसंद नहीं आया, इसीलिए इस शो को ऑफ एयर कर दिया गया। Unfortunately, ये शो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। अगर आप भी इस शो को फिर से देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आपकी ये रिक्वेस्ट चैनल और प्रोड्यूसर्स तक जा सके और हमें फिर से ये शो देखने को मिले। और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए फिल्म और टीविया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।